ये हमारे जो है अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में विभिन्न प्रकार का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी प्रकार के वाहन है, जैसे चार्ट पे समझाया जाएगा वाहन गाड़ियों से एक्सीडेंट होने के, गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के मुख्य कारण है। ऐसे चार्ट पे जो है दिन भर प्रैक्टिस करेंगे, उसी दौरान जो है बच्चा दिन में इसको 10 बार 20 बार देखता है तो वो सीखता। उसके बाद में जो है ये है अपने रोड के ऊपर जो माइल स्टोन होते हैं उसके ऊपर पीला ग्रीन और जो है ब्लू रंग का क्या संकेतक होता है, ये जो है उसको जो है साइक उसमें व्हीकल नॉलेज व्हीकल मेंटेनेंस में पूछते हैं। इसके बाद में वाहनों को चालू करने से पहले कौन कौन सी तैयारी की जाए उससे संबंधित जो है हमारे यहाँ सभी प्रकार के चार्ट्स इधर घुमा चार्ट्स वो सब जो है बनाए गए हैं। ये यहाँ पर है जो है स्पीड स्किल टेस्ट से संबंधित है। हम यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो कितने मीटर तक हम टाइमिंग को जो है सेव कर पाएंगे। इन प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो है चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। इसके साथ साथ जो है अभी यहाँ पर जो है प्रशिक्षार्थी यहाँ जो ट्रेनिंग करते हैं उनको जो है सभी प्रकार के ऑप्टिकल सेच ऑप्टिकल एल ऑप्टिकल एस ऑप्टिकल और जो है रिक्रूटमेंट्स में दिए जाने वाले सभी प्रकार के व्हीकल्स से जो है वो हमेशा ग्राउंड ड्राइविंग के अंदर कैसे प्रैक्टिस करते हैं उससे मैं धीरे धीरे आपको रूबरू कराऊंगा। और जो है प्रशिक्षण जो है चालू है उससे संबंधित ही आपको जो है अभी जो है दिखाया जाएगा। और ये जो है बीच में जो है हमारा ये ऊपर कर भाई मेरे को दिखा जो है ग्राउंड ड्राइविंग टेस्ट है। ये यहाँ पे जो है व्हीकल की जो है ड्राइविंग करते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पे मॉर्निंग में इनका जैसे आफ्टर फिजिकल के दिन भर जो है प्रैक्टिस करती है। ये जो हमारा जो ऑप्टिकल्स है ये लाइट मोटर व्हीकल का ऑप्टिकल है एच ऑप्टिकल है। इसमें जो है एक व्हीकल्स पे जो है 3-8-10 आदमी से ज़्यादा जो है इधर घूम 10 आदमी से ज़्यादा एक बार वन टाइम में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये एच ऑप्टिकल है ड्राइविंग ऑप्टिकल ड्राइविंग है और ये यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं बच्चे। जैसे इन्होंने जो अभी ये यहाँ पर जो सीख रहे हैं और जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं किस हिसाब से जो 10-10 बच्चों का एक इनका जो ग्रुप होता है और ग्रुप के अंदर वो जो है अपनी जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं उस प्रैक्टिस के अंदर जो है सीखते हैं और जो है करते हैं। ये ग्रुप है अभी आपको जो है चला के दिखाएंगे किस हिसाब से जो है रूटीन वाइज जैसे इन्होंने एच क्लियर किया उसके बाद में एल पे जाते हैं बड़ी गाड़ी पे जाते हैं फिर जिप्सी पे जाते हैं जो है बीच में अभी कुछ टेस्ट भी चल रहे हैं जो आपको दिखाया जाएगा धीरे धीरे। जो ये बच्चे हैं तो इसको जो है दिन भर जो है इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार इनको जो नहीं समझ में आता है उतनी बार जो है ये सीखते भी हैं और अपनी गाड़ी को और वाहन को जो है कंटिन्यू उसी रिदम से लगाते रहते हैं। और ये जो है इसको जो है इस वाहन को चलाए हैं वहाँ से जैसे एच ऑप्टिकल नंबर 1 पॉइंट से लेके वहाँ से आए हैं लास्ट यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद में जो है अभ्यास के साथ में ऐसा ऑप्टिकल जो है वहाँ पर ड्राइविंग ऑप्टिकल ग्राउंड के अंदर जो है दिया जाता है इसका जो है अभ्यास रूटीन पर जो है करते हैं। ये हमारे यहाँ पर जो है हैवी मोटर व्हीकल्स का जो है थ्री टनर का जो है वो बनाया गया है ड्राइविंग ग्राउंड टेस्ट वाला जो ना बनाया गया है यहाँ पर इसका अभ्यास करते हैं। ये जो है हैवी मोटर व्हीकल्स का जो है टेस्ट है जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर जो है उधर उधर बैठवा 3-6 स्टूडेंट्स हैं जो वन टाइम में एक बार जो है अभ्यास करते हैं उसको और पीछे ले जाओ एक बार में जो है ये जो अभ्यास करते हैं और अभी जो है चलाते हैं और काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण हमारे यहाँ पे जो है ड्राइविंग का जो है दिया जाता है। अभी स्टूडेंट किस हिसाब से पीछे दौड़ वहाँ पीछे दौड़ किस हिसाब से जो है प्रशिक्षण उनको जो है एज ए कंटिन्यू जो प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे पास यहाँ पे जो है सुबह 6 बजे से फिजिकल के बाद आफ्टर दिन भर जो इनको जो है अभ्यास दिया जाता है लाइट मोटर व्हीकल का जिप्सी का जो लाइट और हैवी व्हीकल्स होते हैं उनका कंटिन्यू दिन भर ग्राउंड ड्राइविंग ऑप्टिकल्स कॉर्नर पर जाऊँ ड्राइवर ग्राउंड ऑप्टिकल्स का अभ्यास किया जाएगा। जैसे ये अभी एल ऑप्टिकल्स का जो है अभ्यास कर रहे हैं एल ऑप्टिकल जो है ड्राइविंग का दिया जाता है। इसमें 2 जोन होते हैं एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का दोनों मिरर में देख के उसको जो है गाड़ी को लगाना पड़ता है। इनका जो है दिन भर जो है बच्चों को अभ्यास करवाया जाता है उस अभ्यास में जो है वही चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं जो वहाँ पर जो है ग्राउंड ऑप्टिकल्स में इनसे जो है
करवाई जाती हैं और काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। कई राज्यों से यहाँ पर जो है हमारे प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी प्रशिक्षण जब आपको गाड़ी को चेक करना है, दोनों तरफ के जो मिरर हैं उन मिरर का एंगल लेते हुए बिल्कुल सेंटर में लेके आया, इतना कम समय में और आप बेहतर गाड़ी लगाते हो उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी धीरे धीरे मैं आपको सभी प्रकार के वाहनों से सभी, जैसे अभी आपको दो ऑप्टिकल दिखाया है, एल ऑप्टिकल हैवी व्हीकल्स का और एस ऑप्टिकल लाइट मोटर व्हीकल का बनाया है। अभी जो ये यहाँ पर जो है हमारा एल ऑप्टिकल की जो है बच्चे जो है चालू है ना, एल ऑप्टिकल की जो है तैयारी कर रहे हैं और जो इनको बीच में एल ऑप्टिकल के बारे में जो है सिखाया जाएगा। साइड में तो ये हमारे पास इंजन पे ले जाना, इंजन के जो है पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये इंजन बोर्ड है, इसमें जो है जिनको इनको प्रैक्टिकली और मौखिकली जो है सिखाया जाता है। जैसे अभी इस बच्चे ने जो है अपने लेफ्ट साइड के मिरर में देखते हुए जो है एल में जो है गाड़ी को लगाया है। इधर दिखाओ, उसको दिखाओ, एल में जो है बिल्कुल एकदम सेफ जो है यहाँ पर जो है गाड़ी को लगाया है टाटा 407 को, जो कि एक लाइट मोटर व्हीकल के अंदर आती है और उसमें कितना बेहतर जो कर पाते हैं। जैसे जैसे ये रूटीन वाइज करते हैं, लाइट मोटर सीखने के बाद उनको हैवी पे ले जाते हैं। इसी प्रकार से एट है, एल है, टी है, जो ग्राउंड ऑप्टिकल्स होते हैं वो सभी ऑप्टिकल्स के बारे में सिखाया जाता है। जैसे रोड सिग्नल्स हैं हमारे यहाँ पर, उनको बिल्कुल ग्राउंड के अंदर दिखाया गया है। रोड सिग्नल्स में जैसे रुकना मना है, ये सिग्नल्स वहाँ पे अपने नॉलेज से संबंधित आपको वहाँ पर सीखे जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते करते जैसे कोई रोड का काम चलता है उस तरह का सिग्नल काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, ये सिग्नल्स वगैरह हम इनको जो है ग्राउंड में बताते हैं। ये क्या है, टी ऑप्टिकल। टी ऑप्टिकल में ये जो बच्चे जो है यहाँ करते हैं, टी के अंदर जो है इनको बेसिकली दो जोन में ड्राइविंग करनी होती है, एक जो है अपने राइट और एक बार जो है लेफ्ट। और टी आकार का ये जो ऑप्टिकल होता है, इसमें दोनों प्रकार की ऑप्टिकलों की जो है तैयारी करवाई जाती है। इसमें बीच बीच में जो प्रतिदिन ग्राउंड ऑफ टेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग में जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का टेस्ट भी लिया जाता है और अच्छी काफ़ी बेहतरीन जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और अभी जैसे ये टी में जो है गाड़ी लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम में इन्होंने जो है अपने ड्राइवर साइड की जो टेस्ट रखते हुए जो है लगाया, फिर दोबारा यहीं पे लेके आएंगे और यहाँ लेके आने के बाद में सीधा जो है दोबारा वापस अपने जो है भी इन्होंने जो है अपने राइट साइड के सेफ रखते हुए राइट साइड के जो एक्सपीरियंस को जो है टेस्ट की काबिलियत को दर्शाया है। अभी जो है ये लेफ्ट साइड में यहाँ आने के बाद जो है लेफ्ट साइड जाएंगे। अभी जो है लाइट मोटर व्हीकल्स के अंदर जो है जिप्सी आती है, जिप्सी में जैसे अभी जो बच्चा हमारे पास क्वालिफाई हो जाता है, क्वालिफाई करने के बाद में जो हमारे कोच और जो गाइड्स होते हैं उनको एजेटिक जो भर्ती के अंदर जो ग्राउंड टेस्ट होता है उसके अंदर कैसे टेस्ट लिया जाता है, एक बार उसी हिसाब से बच्चे को प्रतिदिन जो है ग्राउंड ड्राइविंग टेस्ट की अभ्यास करवाया जाता है। और हमारे पास इनकी लिस्ट होती है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद में उनको जो है उसी हिसाब से टेस्ट लिया जाएगा। जब ये जो ट्रुप्स है इनका जो अभी टेस्ट चल रहा है, टेस्ट चलने के बाद जो है ये कितने क्वालिफाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर इनको जो है दोबारा से उस चीज़ का अभ्यास करवाया जाता है। और ये जो अभी यहाँ से जो है एट ऑप्टिकल है, यहाँ से जो है गाड़ी को जो है ये यहाँ से लेके जाएंगे, ले जाकर इस गाड़ी को फिर अपना इसका अभी जो है टेस्ट चल रहा है, जो हमारे कोच हैं, हमारे गाइड हैं या ग्राउंड सपोर्टेड स्टाफ है वो प्रतिदिन काफ़ी जो है ज़्यादा मेहनत जो है बच्चों के साथ ग्राउंड में जो है करते हैं। अभी ये यहाँ से सीधा जो है वहाँ पर जो है लेके जाएंगे और जो है अपना टेस्ट कितनी बार जो है बच्चा इसमें जो है पास करता है उसी हिसाब से जो इनके जो है ग्रुप बनाए गए हैं और ग्रुप के अंदर जो है पूरी चीज़ें इनको जो सिखाई जाती हैं। आपस में ग्रुप डिस्कशन में भी जो बच्चा अपनी गलती करता है उस गलती को दोहराते हैं। इसके अंदर जो है दो प्रकार के लाइट मोटर व्हीकल्स का हमने ट्रैक बनाया है, जिप्सी का है और ये जो है हमारे पास जो है बुलेरो का है, इसीलिए इसी एट ड्राइविंग ऑप्टिकल्स जो है टेस्ट है। इसके अंदर अपने राइट साइड से जो बीच के अंदर जो एरो मार्क्स जो दिए हुए हैं उन एरो मार्क्स का इस्तेमाल हमेशा ग्राउंड में करना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग में आपको जो है गाड़ी को लगा के दिखाना है। और जो है वापस जो गाड़ी यहाँ से जाएगी आपको जो पहले गाइड जो बताता है उस गाइड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको जो है गाड़ी को लगाना। जैसे अभी ये इनका टेस्ट चल रहा है, टेस्ट क्लियर होने वहाँ से लिया है, वहाँ से लेने के बाद ये बच्चे जो है वापस जो है वो गाड़ी को वहीं पे जो है पार्क करेंगे और पार्क करने के बाद अभी तक जो है इन्होंने बिल्कुल सेफ जो गाड़ी लेके आए हैं और सीधा वहीं पर जो है अभी वहाँ पार्किंग में अभी जो सीधा वहीं पर जो है गाड़ी को पार्किंग में करेंगे। इसी हिसाब से जो है
अभी दूसरा जो है बोलेरो का एच ऑप्टिकल जो बनाया गया है, बीच में उसी प्रकार से जो है ग्राउंड के लिए रोड सिग्नल्स, जैसे ये हमारा सिग्नल्स है नो पार्किंग, जब बच्चा दिन भर जो है ग्राउंड में रहता है, इन चीज़ों को अपनी आंखों के बीच में निकालता रहेगा तो उन चीज़ों को जो है वो हमेशा देखता रहता है और उसको वो रिदमली वो सुबह से शाम तक देखेगा, तो उसके लिए उसको इंडिविजुअल को अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। और जो है रोड सिग्नल्स में सबसे टफ और काफ़ी जो डिफिकल्ट सिग्नल्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पर है गार्ड रेलवे क्रॉसिंग का जो सिग्नल्स है, जो काफ़ी बार रिक्रूटमेंट्स के अंदर जो है पूछा जाता है, उसका जो हमने ऑटोमेटिकली ग्राउंड के अंदर ही बच्चों को जो है लगा के दिया है। उसके बाद में जो है ये रास्ता दीजिए, मतलब आगे जाने के लिए जो रास्ते का जो सिग्नल्स है वो दिया। फिर जो है ये सबसे डिफिकल्ट ये जो एरो मार्क निशान है बिना फाटक क्रॉसिंग, यानी टू का मतलब यहाँ पर दो लाइनें लगी हुई हैं, इसीलिए इसका जो है बिना फाटक क्रॉसिंग है। और वहाँ पर जो आपको दिखाया था इसका सिग्नल्स है कि वहाँ पर ये जो है गार्ड है यहाँ पर, तो ये दिया है इसका मतलब गार्ड है यहाँ पर, और वो गार्ड जो है इसकी जो है चौकीदारी या मतलब इसकी हिफाजत करता है इस ट्रैक की। जब भी गाड़ी, ये संकेतक निशान काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं उनको जो सिखाया जाता है। फिर जो है ये गार्ड रेलवे क्रॉसिंग फिर से दोबारा दिया है, और 200 मीटर दो डंडी का मतलब जब आप यहाँ उस संकेतक निशान के पास जाते हो तो जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से जो है 200 मीटर दूरी पे जो है रेलवे क्रॉसिंग है, और उस क्रॉसिंग के पास जा पर जो है गार्ड का क्रॉसिंग है जो ऊपर सिग्नल है, और जो है वो 200 मीटर है। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो है पार्किंग बनाई है, उस पार्किंग से आपको गाड़ी को निकालना कभी कभी क्या होता है कि हर ऑप्टिकल्स के पास ज़्यादा डिफिकल्ट ड्राइविंग होती है, तो वहाँ पार्किंग लगाते हैं। तो पार्किंग के लिए हमने यहाँ पर जो है ये इसी को जो है पार्किंग के साथ भी जोड़ा है, और जो ये पार्किंग से आपको इसमें लगानी है, यहाँ से बच्चों को पार्किंग भी सिखाते हैं, नंबर वन से भी सिखाते हैं। जो हमारे पास नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम बेसिकली चीज़ें जो सिखाई जाती हैं, जो ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो बिल्कुल उनके बारे में वो अनभिज्ञ हैं और नहीं जानते हैं, उनको जो है हमारे पास प्रैक्टिस ग्राउंड बनाया हुआ है इसको, जो इसमें आपको एल भी है, टी भी है, एट भी है, टायरों के अंदर बच्चों को जो है इसमें सिखाया जाता है, जैसे उसको एच भी बनाया है। अभी जो है इसको अभी जो है ये जो है लाइट मोटर व्हीकल में, जैसे बुलेरो काफ़ी डिफिकल्ट ऑप्टिकल्स होता है, इस ऑप्टिकल्स के अंदर जो है आपको सिखाया जाता है। जैसे ये अभी यहाँ एक नंबर पॉइंट से बुलेरो में जो है बच्चे गाड़ी लगाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे एक ही है कि हम 10 बच्चों से ज़्यादा एक ही भी ग्रुप के अंदर गाड़ी के अंदर नहीं रखते, क्योंकि एक बच्चे को एक घंटे में तीन तीन या चार चार ट्रायल लेने के बाद उसको मतलब एज ए टिक रूटीन वाई गाड़ियों के ऊपर जो बुलेरो में है उसको जो है फिर टाटा पे ले जाएंगे, जो टाटा पे है वो फिर एस मॉडल पे जाएगा, फिर एस मॉडल वाला फिर बाद में जो है जिप्सी के ऊपर। जैसे अभी है तो ऑप्टिकल्स के बीच में जो हमारे कोच साहब हैं वो तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन जो है हमने बनाया है, और काफ़ी रिजल्ट्स भी दिए हैं, और बच्चे अपनी तैयारी भी करते हैं, काफ़ी बेहतर जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसके अंदर वो हमारे उधर जो है स्टूडेंट्स हैं जो अभी जो एज ए टर्न वाइज जो है गाड़ी को सीखते हैं, आपस में ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, और इंडिविजुअल जो फॉल्ट्स बच्चा करता है जिस चीज़ की वजह से आगे नहीं जा रहा वो वहीं ग्राउंड में उनको सिखाया जाता है, बट एक्स्ट्रा क्लासों के अंदर उनकी जो है पॉइंट नोट की जाती है कि वो क्या गलती करता है, वो इनको बेसिकली दोबारा से जो है बताया जाता है। जैसे इस बच्चे ने वहाँ से लिया, अभी तक बिल्कुल सेफ जोन में जो है गाड़ी चला रहा है, और सेफ जोन में गाड़ी लगाने के बाद जो है अपना जो भी है इनका बैच पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इनको जो है दोबारा बदली करने के लिए जिप्सी में ले जाएंगे। लाइट मोटर व्हीकल का आपको जो है हर प्रकार के ऑप्टिकल से हमने जो है आपको रूबरू करवाया, और जो है जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट और जिस प्रकार का जो है ये बनाने का जो था उसी हिसाब से हमने इसको जो है तैयार किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो इसका फ़ायदा मिले। काफ़ी दूर दूर से हमारे पास यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं जो है, और अच्छा प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, और हमारे पास रहने के लिए हॉस्टल है, खाने के लिए जो है मैस है, और फिजिकल के लिए 400 मीटर है, और हमने जो है ड्राइविंग से संबंधित जो भी भर्ती होती है उसका जो है हम अपडेट और उसके वीडियो डालते हैं, हमारा अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से चैनल भी है। तो मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूं और अनुरोध करता हूं, यदि आप भर्तियों के अंदर इंटरेस्टेड हैं लेते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको जो भी रिक्रूटमेंट से संबंधित भर्ती है उसकी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, कौन सी भर्ती कितनी है, उसका एज का क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उस पर मिलेंगी। तो आप वीडियो देखने के बाद जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक बार प्रशिक्षण लेने से पहले एक बार आपका स्वागत है कि अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में अवश्य आएँ। जय हिंद, जय भारत।